हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं एएसटेक। दोस्तों, जब हम अपने घर के इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीदते हैं तो उससे दो चीज़ें चाहते हैं। पहला कि हमारे यहाँ जितनी देर लाइट कटौती हो उतनी देर इन्वर्टर से चलने वाले उपकरण को वह बैटरी चला सके, और दूसरा कि जो बैटरी हम ले रहे हैं वो लंबे समय तक चलती रहे जिससे दोबारा जल्दी बैटरी हमें खरीदना ना पड़े। तो दोस्तों, ऐसी बैटरी का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं यही आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अपने इन्वर्टर के लिए एक अच्छी बैटरी लेने के लिए सबसे पहला स्टेप कि हम किस कंपनी की बैटरी लें। दोस्तों, मार्केट में इन्वर्टर बैटरी बेचने वाली बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि एक्साइट, माइक्रोटेक, लूमिनस, ओकाया, जीनस, लिवगार्ड। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में अपनी इन्वर्टर बैटरी बेच रही हैं। तो आप जिस कंपनी की बैटरी लेना चाहते हैं सबसे पहले पता कर लीजिए कि उस कंपनी की सर्विस आपके एरिया में कैसी है। अगर उस कंपनी की सर्विस अच्छी है तो ही उस कंपनी की बैटरी लीजिए, क्योंकि बाई चांस मान लीजिए जो बैटरी आपने लिया है उस बैटरी में बाई चांस कोई खराबी आ गई तो वारंटी पीरियड उस बैटरी का आसानी से रिप्लेसमेंट आपको मिल जाए। अगर उस कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं होगी तो रिप्लेसमेंट मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इंश्योर कर लीजिए उस कंपनी की सर्विस अच्छी हो तभी उस कंपनी की बैटरी लीजिए। तो दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में बैटरी की कैपेसिटी सेलेक्ट करना होता है कि हम कितने एएच की बैटरी लगाएं अपने घर पे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप अपने इन्वर्टर से कितना लोड चला रहे हैं, और फिर उस लोड को कैलकुलेट कर लीजिए कि वो कितना लोड है। जैसे मान लीजिए आपके घर है 5 LED बल्ब जो कि 9 वाट के हैं, और 2 फैन आप इन्वर्टर से चला रहे हैं जो कि 50-50 वाट के हैं, और 1 LED TV है जो कि 100 वाट की है। अगर इन सब का लोड आपके घर है तो ये टोटल लोड हो जाता है 250 वाट। तो 250 वाट लोड चलाने के लिए आपको कम से कम 150 AH कैपेसिटी की बैटरी लेनी चाहिए। अगर आप 300 वाट का लोड चलाना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 180 AH की बैटरी लेनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लोड चलाना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से बैटरी की कैपेसिटी आप बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर आप 400 वाट के ऊपर लोड चलाना चाह रहे हैं तो आपको डबल बैटरी का सेट लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोड डालने से बैटरी अधिक करंट से डिस्चार्ज होगी, और अधिक करंट से डिस्चार्ज होने की वजह से बैटरी की प्लेटें जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो आप अपने इन्वर्टर से चलने वाले लोड को कैलकुलेट करके उसी हिसाब से बैटरी की कैपेसिटी चुनें। और तीसरा स्टेप है बैटरी की वारंटी। दोस्तों, बैटरी में दो तरीके की वारंटी होती है, एक होती है रिप्लेसमेंट वारंटी और दूसरी होती है प्रोराटा वारंटी। वैसे प्रोराटा वारंटी का कोई मतलब होता नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बैटरी की वारंटी रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सिर्फ रिप्लेसमेंट वारंटी देखना होता है। जिस पीरियड में बैटरी अगर ख़राब होती है तो बैटरी का रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसके लिए आपको बैटरी पर लिखे वारंटी पर नहीं जाना है, बैटरी के साथ जो वारंटी कार्ड मिलता है उस वारंटी कार्ड पर प्रोराटा वारंटी और रिप्लेसमेंट वारंटी दोनों मेंशन होती है। तो वारंटी कार्ड को पढ़कर ही बैटरी लें। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि कम से कम 36 महीने रिप्लेसमेंट वाली बैटरी ही लेना चाहिए, इससे कम वारंटी की बैटरी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस बैटरी की वारंटी ज़्यादा होती है उसको बनाने के लिए जो लेड प्रयोग किया जाता है वो उतना ही ज़्यादा प्योर होता है, जिससे उस बैटरी की लाइफ भी अच्छी होती है और वह बैटरी बैकअप भी अच्छा देती है। अब सबसे लास्ट वाला स्टेप जो है वो आपको देखना है कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मतलब बैटरी कब की बनी हुई है। दोस्तों, जब हम बैटरी परचेज करते हैं तो शायद ही कोई बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखता होगा, लेकिन दोस्तों ये जो बैटरी हम लेते हैं ये लेड एसिड बैटरी होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी में जिस डेट से उसमें एसिड पड़ता है उसी डेट से उसकी लाइफ चालू हो जाती है। चाहे बैटरी वो यूज हो रही हो या बैटरी रखी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जिस डेट से उसमें एसिड पड़ जाएगा उसी डेट से उसकी लाइफ चालू हो जाएगी। अगर वो बैटरी काफ़ी दिन तक जैसे 1-1.5 साल रखी हुई है तब भी बैटरी अपने आप वो ख़राब होने लगती है, तो कोशिश करिए जो बैटरी आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, बहुत ज़्यादा हो तो 4-5 महीने, इससे ज़्यादा पुरानी बैटरी ना हो। बैटरी अगर ज़्यादा पुरानी बिकती है तो बैटरी रिप्लेस होने में दिक्कत होती है, क्योंकि सभी कंपनियों की पॉलिसी होती है कि बैटरी बनने के 4-5 महीने के अंदर बैटरी बिक जानी चाहिए। तो दोस्तों, बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इन्वर्टर के लिए एक अच्छी बैटरी का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।